धर्म की जय होनी चाहिए, धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, और बाकी अपनी अपनी मर्जी है, श्रद्धा के ऊपर है, अपने अपने भाव है, अपना अपना ज्ञान है। नमस्कार, एनएच वन के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से एनएच वन में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि आज हमारी एनएच वन की टीम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आ पहुंची है, और आप हमारे पीछे बहुत ही मनमोहक दृश्य कह सकते हैं, इनका मंदिर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, ये टिकरी क्षेत्र के ही लेनू एरिया है, वहाँ पे ये मंदिर है। आइए जहाँ का रहस्य जानते हैं कि आखिर यहाँ पे मंदिरों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल में। सबसे पहले आपको बता दें कि जहाँ पे तीन बड़े मंदिर बने हुए हैं, महाकाली जी का मंदिर है, शनिदेव जी का मंदिर है, और बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है। आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ पे मंदिरों का निर्माण जो है वो कैसे हुआ। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इस वक्त हम उन प्रसिद्ध मंदिरों के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं, और सबसे पहले अगर बात करें शमनी देव जी का, बहुत ही प्रसिद्ध पावन उनका ये दरबार है। तो आइए सबसे पहले आप भी शनिदेव जी के दर्शन करें, और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी कि आखिर इस मंदिर का जो है वो रहस्य क्या है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है। महाराज, सबसे पहले तो आपका एनएचवन में स्वागत है। हाँ जी, आपका भी जी। आप अपना परिचय दें, थोड़ा सा अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम पंडित मनोज कुमार शर्मा है, तो यहाँ के हम पुजारी हैं मंदिर के। कितना मतलब कितने वर्ष हो गए इस मंदिर के, अगर निर्माण की बात करते हैं कितने वर्ष? इसके 15 वर्ष हो गए इसका निर्माण हुए। तो ये बाबा कमलगिरी जी महाराज जी ने इनका निर्माण करवाया। सभी यात्रियों की सहयोग से जो भक्त जन यहाँ पे आते हैं, अपनी श्रद्धा से माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ जी के कमलगिरी महाराज जी मुख्य जो यहाँ के हैं, तो बाकी जो भी भक्तजन आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कितने यहाँ पे अगर मंदिरों की बात करते हैं, मुख्य कितने मंदिर हैं यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 15 मंदिर हैं इस एरिया में। तो एकादश रुद्र है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मेन जो है श्री शनि महाराज जी का, फिर यहाँ पे हनुमान जी का, काली माता और भैरव बाबा जी टेम्पल है। तो और क्या जहाँ का कुछ रहस्य क्या है इस जगह की अगर बात करें, यहाँ पे आखिर मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, कोई क्या किस्सा क्या ये हुआ? कमलगिरी महाराज जी ने उनका निर्माण करवाया था जब वो स्टार्टिंग में आए थे, यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। तो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना करके तो इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। और भी भाई बंधु जो भी आते हैं, माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो सभी सहयोग करते हैं मंदिर निर्माण के लिए। धन्यवाद। तो जो है यहाँ के मुख्य पुजारी, उनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बारी बारी जहाँ पे जो भी मंदिरों का जहाँ पे निर्माण हुआ है उनके हम आपको विजुअल दिखाएं। और आपने सबसे पहले विजुअल देख ली जो मुख्य मंदिर है जहाँ पे शनि जी का, और उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे दूसरे मंदिरों की भी आपको विजुअल दिखाने की। कुल अगर हम शनि जी मंदिर के बाद बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हनुमान जी की यहाँ पे प्रतिमा जो है वो स्थापित है। ये इसके बाद आगे की कुछ विजुअल दिखाते हैं। माता कालका जी का प्रसिद्ध पावन मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो सीधी विजुअल जो है वो इस मंदिर की दिखाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं माता कालका जी का जहाँ पे मंदिर, उसकी बिल्कुल हम आपको सीधी विजुअल जो है वो दिखा रहे हैं। कुछ विजुअल्स जो हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे, इन मंदिरों के साथ साथ और भी कुछ बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे जहाँ पे भी जाने की, लेकिन अभी हम आपको जो है वो यहाँ की ही सीधी विजुअल दिखा रहे हैं। सबसे पहले शनि जी के मंदिर के बाद की अगर बात करते हैं, श्री राहु जी का आप प्रतिमा जो है वो देख रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें श्री बुद्ध जी की, जहाँ पे प्रतिमा जो है वो स्थापित है। श्री शुक्र जी की जहाँ पे जो है वो प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पे वो भी आप सीधी विजुअल देख सकते हैं। कहीं अगर इस मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पे 9 ग्रह जो है वो उनको भी स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं श्री चंद्र जी की जहाँ पे प्रतिमा, उनकी भी आप देख सकते हैं। तो श्री बृहस्पति जी की जहाँ पे प्रतिमा जो है वो स्थापित है, बिल्कुल आपको हम यहाँ की जो है वो सीधी विजुअल दिखा रहे हैं।
और जहां पे आप देख सकते हैं कि श्री मंगल जी की जहां पे जो है वो प्रतिमा स्थापित है, मंगल जी भी अपने वाहन के ऊपर जहां पे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे वो बैठे हुए हैं अपने वाहन के ऊपर। और इन नवग्रहों की अगर बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं श्री सूर्य जी की जहां पे उनकी भी प्रतिमा जो है वो स्थापित है। तो बिल्कुल जहां पे अगर हम बात करते हैं शनिदेव जी के मंदिर की विशेषता जो हमें नजर आ रही है कि जहां पे नौ ग्रह जो है वो स्थापित हैं और बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं। और यहां पे आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं केतु जी की जहां पे जो है वो प्रतिमा स्थापित है, वो भी अपने जो है वो वाहन के ऊपर सवार बैठे हैं। अगर आरंभ की बात करते हैं तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो विजुअल दिखाए। श्री गणपति जी विराजमान है मुख्य द्वार। अगर इन मंदिरों की बात करते हैं तो आपको हम बता दें कि श्री भवा भैरवनाथ जी का भी जहां पे मंदिर बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें उनकी विजुअल देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा की सीधी विजुअल देख सकते हैं भवा भैरवनाथ जी का जहां पे प्रसिद्ध मंदिर। वन के साथ लगातार जुड़े रहें और आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल देख सकते हैं भोलेनाथ जी जहाँ पे विराजमान है उनकी भी कुछ विजुअल आपको दिखाते हैं। और आइए जहाँ पे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी हम आपको जो है कुछ विजुअल जहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको यहाँ पे कुछ मंदिरों की विजुअल दिखा रहे हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि आज हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जहाँ पे संत हैं जो पूरा देख रेख इनकी करते हैं। महाराज सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। हाँ महाराज, आप बोलिए जो पूछना चाहते हैं। महाराज थोड़ा सा हमें आप बताएं इस क्षेत्र का नाम क्या है सबसे पहले। यहाँ का नाम है लहनू। जी जी, ये गाँव का नाम है लहनू, ये तहसील पड़ती टिकरी आगे। हाँ, तो इसका नाम है लहनू। ये जितना भी बना हुआ है यहाँ, ये सारा ये हमारे हाथ का ही है। जितना भी जो भी मंदिर बने हुए हैं, जो जितना भी स्थान बना है, ये हमारे हाथ का ही है। तो अभी भी काम चालू है तो अभी आज बारिश है तो बारिश की वजह से काम बंद है। हाँ, पर कितने जहाँ पे मंदिर जो हैं वो आपके तरफ से बनाए गए हैं? ये सारे मंदिर हमारी तरह हमारे हाथ के बने हुए हैं। महाराज थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा ये भी बताएं कि आखिर इस जगह का रहस्य कैसे है, आप कितने सालों से यहाँ पे ही? यहाँ पे हम हैं 28 साल से। 28 साल पहले हम यहाँ आए थे नवरात्रों में। जी जी, नवरात्रों में आए थे, किसी का घर का कोई काम था, इलाज करने के लिए आए थे। तो नवरात्रे पड़ रहे थे तो हम यहीं बैठ गए, तो यहीं बैठ गए। फिर एक मंदिर का काम लगाया, चालू किया हनुमान जी के मंदिर का। जी जी। उसके बाद बाकी मंदिर फिर धीरे 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 बनाते आए, आज तक बना ही रहे हैं। आगे देखो भगवान क्या करते हैं, कितना बनाना है, कितना लिखा है भाग्य में उतना करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब विधाता की मर्जी है। जी जी। परमात्मा ने जैसे चाहा वैसा ही होगा। तो अगर बात करें यहाँ पे कहाँ कहाँ से जो है वो श्रद्धालु यहाँ पे? श्रद्धालु पूरे भारत के ही आते हैं वैसे। जी जी। मतलब जो भी ऊपर शनि मंदिर है रोड पे, जो भी मंदिर है ये, इसके पास जो कि जो भी आएंगे तो जो भी चलाते हैं वो उनका यहाँ लगता है। जी जी। हाँ, रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, जो भी वो देते हैं सब इन मंदिरों में ही लगता है। जी जी। हाँ, आखिर यहाँ उनका योगदान जो भी होता है सब मंदिरों में लगता है। किस किस्म की जहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, इतने मंदिरों की कैसे चलाते हैं आप इनको? यहाँ काम करने वाले रखे हुए हैं तो हर एक की ड्यूटी बांटी हुई है। जी जी। कोई पुजारी है, कोई रोड पे प्रसाद देने वाला है। जी जी। कोई इधर नीचे भोजन वगैरह बनाता है, चाव मतलब चाय वगैरह देना, सेवा भाव जो भी है वो करते हैं। जी जी। हाँ, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे NH1 के माध्यम से अपने श्रोताओं को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि संदेश तो ये है सबसे बड़ा कि हर जगह ऐसा बनना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जी जी। धर्म की जय होनी चाहिए, धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, और बाकी अपनी अपनी मर्जी है फिर। जी जी। श्रद्धा के ऊपर है, अपने अपने भाव है, अपना अपना ज्ञान है। धन्यवाद। तो आज हम आपको जहाँ पे लेनू, यहाँ पे मंदिरों के नाम से ही हम इसको कह सकते हैं कि ये जगह जो है वो प्रसिद्ध हो चुकी है पूरे भारतवर्ष से ही। जहाँ पे श्रद्धालुओं की बात करते हैं तो वो
पहुंचते हैं और जहां पे जो मुख्य संत थे, जिनके द्वारा ही हम कह सकते हैं कि यहां पे इन मंदिरों का जो है वो निर्माण हुआ है। तो आज हमने आपको ये जो पूरी विजुअल दिखाई है, आपको कैसी लगी? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 टिकरी लानू।